चौधरी परवेज इलाही को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 MPO के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार करने से रोका था। परवेज इलाही की इस्लामाबाद मुंतकली हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है। मोहम्मद इशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मोहम्मद इशफाक, जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, कब तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? जी अपडेट्स ये हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका था। परवेज इलाही को पुलिस के हमरा जब वो अपने घर के करीब पहुंचे जहूरई रोड पर, तो वहां से उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने जो DIG ऑपरेशन थे उनको ये बताया कि परवेज इलाही को तमाम कायद जवाबत के मुताबिक उनके वारंट हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसके बाद DIG ने इस सारे मामले में मुदाखलत नहीं की और फिर सरदार लतीफ खोसा जो कि परवेज इलाही के साथ मौजूद थे उनको गाड़ी से उतारा गया और फिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करके इतलात ये है कि बजरिया हेलीकॉप्टर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अपडेट्स ये हैं कि बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी अदालत के बाहर भी मुतलका जो इंतजामिया है उनके खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जबकि वकला इस वक्त कमरा अदालत में भी मौजूद हैं और अदालत से सही। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।